मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने इतना बड़ा रोल निभाया हमारे देश की आजादी के लिए, और सिर्फ आजादी के लिए नहीं, हमारी पूरी इंडियन सिविलाइजेशन को एक साथ जोड़े रखने के लिए भी, कि वो हर जगह के लोगों को, हर जगह के नेताओं को एक साथ इकट्ठा करके कोऑपरेट करते रहे, इतने बड़े इलाके में फ्रीडम स्ट्रगल्स को लीड करते रहे, इतने बुढ़ापे के बावजूद, तबीयत खराब होने के बावजूद, जेलों में जाने के बावजूद वो लीड करते रहे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल्स को, और इतना प्रभाव था गांधी का हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में, हमारे देश की धरती पे कदम रखने वाले सबसे बड़े नेता अगर कोई आज तक हुए हैं तो वो गांधी थे। और सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें ये टाइटल दिया था कि आपका इतना प्रभाव है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, औरतें हो, बच्चे हो, किसी भी इलाके के लोग हो, किसी भी भाषा बोलते हो, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन में इतना बड़ा प्रभाव हो चुका है आपका कि आपको फादर ऑफ द नेशन कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि उस जमाने में भी गांधी को बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते थे, गांधी के खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोलते थे? गांधी को मारा था किसी ब्रिटिशर ने नहीं, गांधी को एक हिंदुस्तानी ने ही मारा था, और आज के टाइम पे भी बहुत सारे लोग गांधी के बारे में उल्टी सीधी अफवाहें फैलाते रहते हैं। तो ऐसा क्यों है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद गांधी को कई सारे लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, इनकी वजहें क्या हैं? तो ये लोग बताते तो बहुत सारी हैं कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। जितना इतिहास मैंने पढ़ा और जितनी दुनिया मैं जानता हूं, तो मैं कुछ एनालिसिस बताता हूं कि क्यों ऐसा है कि कुछ लोग गांधी को पसंद नहीं करते हैं। पहली वजह ये थी, पॉलिटिकल राइवलरी। गांधी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर, उन्होंने सारे मास मूवमेंट जो लीड किए वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर किए, जितने भी चुनाव लड़े गए वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में गांधी के नाम पे लड़े गए। तो गांधी का इतना बड़ा रोल था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, और इसका ये भी मतलब होता है कि जब अंग्रेज चले जाएंगे और आजाद हिंदुस्तान होगा तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथ में होगा कि कैसा हिंदुस्तान हम बनाना चाहते हैं, और वैसा हिंदुस्तान उन्होंने बनाया भी। ऐसा हिंदुस्तान जहाँ पे सब बराबर होंगे, चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे अपर क्लास का हो, लोअर क्लास का हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, सब बराबर हैं। संविधान है, अदालतों का सिस्टम है, यहाँ पे समाज से काम नहीं चलेगा, समाज के नियमों से काम नहीं चलेगा, कानून का राज होगा। तो वो हिंदुस्तान जो बनाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर, ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी उन लोगों को जो कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के थे, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को उस टाइम पे भी वोट नहीं मिलते थे, वो चुनाव नहीं जीत पाते थे, और आजाद हिंदुस्तान जो बना वो इस तरीके का हिंदुस्तान इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, और ये हिंदुस्तान जैसा बनाना चाह रहे थे वैसा हिंदुस्तान ही बन नहीं पाया। तो पहली बात है पॉलिटिकल राइवलरी, कि गांधी जैसे भी रहे हों वो दूसरी पार्टी के थे, और उनके ताकतवर होना या उनका प्रभावशाली होने का मतलब ये है कि हमारी पार्टी जो है वो हारती जाएगी। जो दूसरी वजह कि गांधी ने जब अंग्रेजों से लड़ाई करते करते जब गांधी ने हिंदुस्तान के समाज को बदलना शुरू किया, तो गांधी लोगों की नजरों में और ज्यादा खटकने लग गए। कि गांधी ने जब ये करना शुरू किया कि हमें हिंदुस्तान के को एज अ समाज खुद बदलाव करने हैं, कि जो अपर क्लास हैं इन्होंने बहुत अत्याचार किए हैं लोअर क्लासेस पे, तो लोअर क्लासेस के लोगों को भी हमें बराबरी का दर्जा देना है, छुआछूत खत्म करना है, हमें सबको हक अधिकार देने हैं, सबको वोट देने का अधिकार देना है, हमें वैसा समाज बनाना है कि सब लोग पढ़े लिख सकें, सब लोग आगे बढ़ सकें। तो ये वाला समाज जो गांधी बनाना चाह रहे थे, ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था उन लोगों को जो दुनिया को इस तरीके से देखते हैं कि नहीं, दुनिया ऐसी ही है कि कुछ लोग अपर क्लास हैं जो हम बेटर हैं, सुपीरियर हैं, और जो लोअर क्लासेस के लोग हैं इन्हें हमेशा खेतों में इसी तरीके से मेहनत करनी चाहिए, इनके बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए, अगर इनके बच्चे पढ़े लिख लेंगे तो हमारे बच्चे क्या घास छीलेंगे। तो ये वाली जो सोच थी उन लोगों को ही गांधी के ये सब काम पसंद नहीं आ रहे थे। और गांधी ने जब ये करना शुरू किया कि छुआछूत खत्म किया जाएगा, और गांधी ने जब अंबेडकर साहब के साथ ये पैक्ट किया, पूना पैक्ट, कि अंबेडकर साहब से वादा किया उन्होंने कि आजाद हिंदुस्तान में इन दलित लोगों को प्रॉपर पूरा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, पढ़ाई में भी, नौकरी में भी, तो गांधी बहुत ज्यादा खटकने लग गए उन लोगों की नजरों में, और वो लोग सब लोग कहने लग गए कि गांधी जो हैं ये हिंदू धर्म को बिगाड़ रहे हैं, हिंदू धर्म को खत्म कर रहे हैं, और अगर ऐसा हो गया कि दलितों को बराबरी का अधिकार मिल जाएगा तो हिंदू समाज खत्म हो जाएगा, ये सत्यानाश हो जाएगा, जलजला आ जाएगा, भगवान नाराज हो जाएंगे, ना जाने क्या कुछ कहा गया, गांधी को एंटी हिंदू कहा गया, ना जाने बहुत कुछ कहा गया गांधी को, गांधी चुपचाप सब कुछ सहते रहे, सुनते रहे, लेकिन वो काम करते रहे दलितों के लिए और जो लोअर क्लासेस के लिए,
तो ये सब चीजें गांधी वहां से बहुत ज्यादा खटकने लग गए थे समाज के उस वर्ग को जो समाज में बदलाव नहीं चाहता है। तीसरी वजह, जब गांधी ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया नेहरू को, नेहरू प्रॉपर लेफ्ट लीनिंग वाले ख्याल के आदमी थे और नेहरू को अपना उत्तराधिकारी बना देना इसका ये मतलब होता है कि आगे का भविष्य का हिंदुस्तान सच में वैसा होगा कि एक संविधान का राज होगा और वहां पे सब लोग बराबर होंगे, चाहे वो कितना भी नीचे दलित हो उसको भी वोट देने का अधिकार मिलेगा, इनको रिजर्वेशन मिलेगा, ऐसा होगा औरतों को भी घर से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। तो हमारा जो समाज है वो समाज सच में इस तरीके का बनेगा कि जैसा वो हमारा हिंदू समाज जो है वो काफी बदल जाएगा। तो नेहरू को इन्होंने जो उत्तराधिकारी बना दिया, और नेहरू को उत्तराधिकारी बना देने का ये भी मतलब होता है कि नेहरू लेफ्ट वाले ख्याल के आदमी हैं, तो वो छुआछूत और कास्टिज्म और ये सब मानते ही नहीं है। नेहरू ने अपना लॉ मिनिस्टर और संविधान लिखने का काम किसको सौंप दिया? अंबेडकर साहब को। अंबेडकर साहब जो कि उन लोगों की नजरों में अछूत थे, एक अछूत जिसको पानी पीने का हक नहीं है हमारे जगहों से, एक अछूत जिसको हम अपने पास नहीं आने देते हैं, उस अछूत ने हिंदुस्तान का संविधान लिखा है। मतलब सोचिए, उन लोगों की नजरों से अगर आप देखें तो कितना सत्यानाश वाली बात है कि हिंदुस्तान का संविधान किसने लिखा है? एक अछूत ने लिखा है। तो ये चीज, ये जो गांधी ने नेहरू को एम्पावर कर दिया और नेहरू के चलते अंबेडकर और एम्पावर हो गए, तो ये जो सब चीजें हो रही थी ये बहुत नापसंद आ रही थी उन लोगों को जो चाहते थे कि हिंदुस्तान का समाज वैसा ही रहे जैसा हजारों सालों से चलता आया है। इसके ऊपर से नेहरू की भी नाराजगी गांधी के साथ जुड़ जाती है। नेहरू ने जो ये वाले जो काम किए जो अपर क्लासेस को बहुत नाराज कर गए, नेहरू ने जमींदारी सिस्टम को खत्म किया, नेहरू ने बहुत सारे ऐसे कई सारे काम किए कि कास्टिज्म को खत्म करने की कोशिश करी, और भी जितने भी लेफ्ट लीनिंग वाले काम हैं। इसके बाद गांधी से नाराजगी की चौथी सबसे बड़ी वजह ये थी कि गांधी के जो पॉलिटिक्स ऑफ न्यूट्रलिटी, कि जब पार्टीशन का टाइम हो रहा था या उसके पहले भी जब हमारे देश में दंगे फसाद चालू हुए और ये रिलीजियस पोलराइजेशन चालू हुआ, तो हो ये रहा था कि मुस्लिम बहुल्य इलाकों में और खास तौर पे पाकिस्तान वाले इलाके में पार्टीशन के बाद वहां पे हिंदू मारे जा रहे थे और हिंदुस्तान के इलाकों में यहाँ पे मुसलमानों को मारा जा रहा था। तो गांधी के अंडर में देश था, गांधी और नेहरू के अंडर में, पटेल के अंडर में, तो इन्होंने इस चीज को सुनिश्चित किया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को ज्यादा नहीं मार पाए लोग। और ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा खटकने लगी उन कई सारे लोगों को कि पाकिस्तान में मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं तो हम लोग यहाँ मुसलमानों को क्यों ना मारें। और ये हो नहीं पा रहा था क्योंकि गांधी हर जगह जाके दंगे रुकवा देते थे और पूरा हिंदुस्तान की सरकार का प्रशासन ऐसे काम कर रहा था कि हमें शांति बनाए रखनी है। तो ये भी चीज बहुत ज्यादा खराब लग रही थी लोगों को। नेहरू लोगों की नाराजगी को डायरेक्ट कर दे रहे थे इस तरफ कि अगर आपको इस बारे की नाराजगी है कि पाकिस्तान के मुसलमान वहां के हिंदुओं को मार रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप हिंदुस्तान की सेना ज्वाइन करिए, हम आक्रमण करते हैं पाकिस्तान पे, आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करिए, आप पूरा बदला लीजिए पाकिस्तान के मुसलमानों से, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों मारना चाहते हैं। तो ये जो एक थिंकिंग फिलॉसफी थी गांधी की, नेहरू की, ये भी बहुत ज्यादा खराब लगती थी कई सारे लोगों को। तो ये जो तीन चार बेसिक वजहें हैं, ये वजहें सबसे ज्यादा खटकती थी लोगों की नजरों में गांधी की। और ये वजहें देखा जाए, सच बात बताऊं, ये वो वजह है कि लोग गिनाना पसंद नहीं करते हैं, लोग ये बताना पसंद नहीं करते हैं। तो इन वजहों को गिनाने के बजाय वो कुछ और वजहें निकाल लेते हैं, वो भगत सिंह की नाराजगी बोलने लगे, कुछ भी बोलने लग जाते हैं। लेकिन बेसिक सच्चाई ये है कि ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से गांधी को कई सारे लोग ना उस जमाने पसंद करते थे ना आज के टाइम में। और यही वजह है कि गांधी को मारा भी एक हिंदुस्तानी ने, और इतने टाइम बाद भी आज भी कई बार गांधी की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, गांधी के खिलाफ अफवाहें निकाली जाती हैं, और ये सब चलता रहता है।